अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ विंटर स्पेशल रेसिपीज शेयर करूंगी। ये सारी रेसिपीज बहुत ही ज्यादा मजे की बनकर तैयार होती हैं। आपने एक बार लाजमी ट्राई करना है और मेरे साथ अपना फीडबैक कमेंट्स में लाजमी शेयर करना है। आपने इन सारी रेसिपीज को विंटर में एक बार लाजमी ट्राई करना है। सो चले जल्दी से रेसिपीज को स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट रेसिपी है हलवा पूरी। इसको आप ब्रेकफास्ट के लिए बना सकते हैं। विंटर में हलवा पूरी हर कोई ब्रेकफास्ट में खाना पसंद करता है। ये पूरियाँ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनी हैं। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक कप सूजी ली है। आप इसमें कोई भी सूजी यूज़ कर सकते हैं, आपके पास मोटी हो या फिर बारीक। अब मैं इसमें एक कप दूध डालूंगी। दूध आपने ठंडा यूज़ करना है। सूजी को मैं दूध में अच्छी तरह से मिक्स करके आधे घंटे के लिए कवर करके रख दूंगी। तब तक सूजी इसमें अच्छी तरह से फूल जाएगी। चलें तब तक हम पूरियों के लिए आटा गूंद लेते हैं। ये मैंने 2 कप मैदा लिया है। इसमें मैंने 1/2 टीस्पून नमक डाला है। अब मैं इसको नीम गर्म पानी के साथ अच्छी तरह से एक सॉफ्ट डो गूंद लूंगी। बहुत ज़्यादा आपने सॉफ्ट डो नहीं गूंदनी, नॉर्मल सी डो हमने रेडी कर लेनी है। ये पूरियाँ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार होती हैं। आपने एक बार लाजमी ट्राई करना है। आटा मैंने अच्छी तरह से गूंद लिया है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा दूंगी और इसको 10 मिनट तक कवर करके छोड़ देना है। 10 मिनट हो गए हैं, हमारा आटा जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो गया है। अब मैं इसको एक बार मजीद गूंद कर इसके पेड़े बना लूंगी। पेड़े आपने बहुत बड़े बड़े साइज के नहीं बनाने, रोटी से थोड़े से छोटे आपने पेड़े इसके बनाने हैं। इसी तरह से मैंने सारे पेड़े बना लिए हैं। अब मैंने एक बाउल लिया है, इसको मैंने ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया है। अब ये सारे पेड़े मैंने इसमें रख दिए हैं। ऊपर से भी मैंने अच्छी तरह से इस पर ऑयल लगा दिया है। ये बाद में सारे चिपक गए थे, तो आपने किसी ट्रे में इसको रखना है। अब हमने इसको कवर करके 10 मिनट के लिए रेस्ट देना है। चलें तब तक हम सूजी का हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने शुगर को पानी के साथ डिजॉल्व करना है। ये मैंने 1 कप शुगर ली है। अब मैं इसमें 3 कप पानी डालूंगी। अगर आप कम मीठा खाना पसंद करते हैं तो आपने शुगर जो है वो थोड़ी सी कम ऐड करनी है। इसका हमने शीरा नहीं तैयार करना, बस जब शुगर पानी में अच्छी तरह से डिजॉल्व हो जाएगी तो हमने इसकी आग जो है वो बंद कर लेनी है। शुगर पानी में अच्छी तरह से डिजॉल्व हो गई है, अब मैं इसको साइड में रख दूंगी। ये मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने 1 कप घी डाला है। आप ये हलवा ऑयल के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन घी में बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनकर तैयार होता है। अब मैं इसमें ये सूजी डाल दूंगी जिसको मैंने आधा घंटा पहले भिगोकर रख दिया था। अब मैं इस सूजी को घी के साथ अच्छी तरह से भून लूंगी। पहले आपको लगेगा कि ये नीचे चिपकना स्टार्ट हो गई है। जब इसमें दूध जो है वो ड्राई होता जाएगा तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। डिम से थोड़ी सी ज्यादा आग पर हमने इसको अच्छी तरह से भून लेना है। कंटिन्यूसली आपने इसमें चम्मच चलाते रहना है। सूजी को हमने तकरीबन आधे घंटे के लिए अच्छी तरह से भून लेना है। इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, तब तक हमने इसको अच्छी तरह से भूनना है। तभी हमारा हलवा जो है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनकर तैयार होगा। इसमें मैंने 3 छोटी इलायची डाल दी है। हलवे में यही मेन स्टेप होता है कि आपने सूजी को अच्छी तरह से भून लेना है। ये आप देख सकते हैं दूध तकरीबन ड्राई हो गया है। अब हमने इसको अच्छी तरह से भून लेना है बिल्कुल दिमाग पर। ये आप देख सकते हैं तकरीबन आधा घंटा हो गया है। इसका कलर देखें कितना अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गया है। सूजी हमारी अच्छी तरह से भुन गई है। ये आप देख सकते हैं साइड से घी भी निकलना स्टार्ट हो गया है। अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी जिसमें मैंने शुगर को डिजॉल्व करके रखा था। अब हमने इसको अच्छी तरह से मीडियम आग करके इसको अच्छी तरह से भून लेना है कि पानी सारा ड्राई हो जाए। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें ड्राई फ्रूट डाल दूंगी जिसमें मैंने बादाम लिए हैं, ड्राई कोकोनट लिया है और कुछ काजू लिए हैं। हलवा बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसका एक रेशो है, अगर आप इस रेशो के साथ हलवा बनाएंगे तो आपका हलवा बहुत ही ज़्यादा अच्छा और मज़े का बनकर तैयार होगा। जिसमें हमने 1 कप सूजी ली है, 1 कप शुगर ली है, 1 कप ही हमने घी यूज़ किया है और उसके साथ हमने 4 कप पानी यूज़ करना है, जिसमें से मैंने 3 कप पानी डाला था और 1 कप जो है वो मिल्क डाला था। यही एक सिंपल सा रेशो है। अगर आप इस रेशो के साथ ही हलवा बनाकर तैयार करेंगे तो आपका हलवा बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनकर तैयार होगा। पानी सारा ड्राई हो गया है, सूजी भी अच्छी तरह से फूल गई है, घी भी साइड से निकलना स्टार्ट हो गया है। अब मैं इसको कवर करके दम पर रख दूंगी 10 मिनट तक।
चलें तब तक हम पूरियां बना लेते हैं। पेड़ों को हमने 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट दे दिया था। अब हम इसकी पूरी बनाएंगे। इस पॉइंट पर आपने मैदे का यूज़ नहीं करना, आपने ऑयल का यूज़ करना है। अब हल्के हाथों के साथ मैं इसको बड़ा कर रही हूँ। आप बेलन का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हाथों की मदद से ही अच्छी तरह से पूरी की शेप में आ जाएगा। ऑयल को हमने अच्छे से गर्म करने के लिए रख दिया है। ऑयल आपका बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए। बहुत ज़्यादा आपने पूरी को ऑयल में नहीं पकाना। 10 सेकेंड आपने एक साइड से पकाना है और 10 सेकेंड ही आपने दूसरी साइड से पकाना है। आपकी पूरी अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगी। अगर आप इसको ज़्यादा टाइम तक ऑयल में पकाएंगे तो ये बिल्कुल कड़क हो जाएगी। इसी तरह से मैंने बाकी सारी पूड़ियाँ बनाकर रेडी कर लेनी है। अच्छे से आपने इसको बड़ा कर लेना है। दस से पंद्रह मिनट हो गए हैं। हमारा हलवा आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा क्रीमी बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही ज़्यादा मज़े का ये हलवा बनकर तैयार हुआ है। आपने एक बार लाजमी ट्राई करना है। ऊपर से मैं इस पर थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल दूंगी। आपने इस रेसिपी को एक बार लाजमी ट्राई करना है और मेरे साथ अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना है। ये हलवा पूरी बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनकर तैयार होती है। चलें अब हम इसको सर्व करते हैं। ये सारी पूरियाँ मैंने बनाकर रेडी कर ली हैं। ये हमारे हलवे का फाइनल लुक। पूरी हमारी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है, ये आप देख सकते हैं। चलें अब हम अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं, जो कि है एक फ्राइड राइस, जिसको आप लंच के लिए या फिर डिनर के लिए भी बना सकते हैं। सबसे पहले हमने चावल को बॉयल करना है। पानी को मैंने गर्म कर लिया है। ये मैंने 1 kg चावल लिए हैं, जिसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो कर रख दिया था। चावल को हमने 90% तक बॉयल करना है। अब मैं इसमें 1.5 tablespoon नमक डालूंगी, 1 tablespoon सिरका, 1 tablespoon कुकिंग ऑयल। चावल में नमक आपने पूरा ऐड करना है। अगर आप ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आपने ज़्यादा ऐड करना है। सिरका और ऑयल डालने से आपके चावल जो हैं वो खिले खिले बनेंगे और बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। चावल हमारे 90% तक कुक हो गए हैं। बाकी के 10% हम इसको दम में पकाएंगे। अब मैं इनको छान कर साइड में रख दूंगी। चावल को मैंने साइड में रख दिया है। अब ये मैंने 3 अंडे लिए हैं, उसमें मैंने 1/2 teaspoon नमक डाला है, थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया है, इससे बड़ा अच्छा कलर आएगा आपके एग पर। इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। अब मैंने 2 tablespoon ऑयल डाला है। अब अंडे को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। अंडे की मैंने साइड चेंज कर ली है। अब मैं इसको पीसेस में कट कर लूँगी, थोड़े से बड़े बड़े पीसेस में मैंने इसको कट कर लेना है। 1 मिनट के अंदर ही आपका अंडा जो है वो बिल्कुल पक कर तैयार हो जाएगा। अब मैं अंडे को निकाल कर साइड में रख दूँगी। अब मैंने 1/2 cup कुकिंग ऑयल लिया है, उसमें मैंने 1 tablespoon लहसुन ली है, जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है। लहसुन को मैं 1 मिनट तक ऑयल में फ्राई कर लूँगी। अब मैं इसमें 1 medium size का प्याज डालूंगी, जिसको मैंने फाइन चॉप कर लिया है। प्याज को हमने 1 से 2 मिनट तक ऑयल में फ्राई करना है। अब मैं इसमें चिकन ऐड करूंगी। ये मैंने 200 ग्राम चिकन ली है, जिसको मैंने स्ट्रिप्स में कट कर लिया है। चिकन को हमने अच्छी तरह से कुक करना है, चिकन का पानी ड्राई होने तक। चिकन को मैंने हल्का सा कुक कर लिया है। अब मैं इसमें 1 tablespoon नमक डालूंगी, 1.5 tablespoon काली मिर्च का पाउडर, 2 हरी मिर्चें जिसको मैंने फाइन चॉप कर लिया है। चिकन को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको कवर करके रख दूंगी कि चिकन हमारी जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। दस मिनट हो गए हैं, चिकन हमारी अच्छी तरह से कुक हो गई है। अब मैं इसमें वेजिटेबल ऐड करूंगी। ये मैंने 1 cup मटर लिए हैं। सारी वेजिटेबल को हमने 1 से 2 मिनट तक ही फ्राई करना है, ज़्यादा आपने इनको फ्राई नहीं करना। आग जो है वो मैंने मीडियम कर ली है। 1 मिनट तक मैंने इसको पका लेना है। मटर जो है वो थोड़े से सख्त होते हैं, तो मैंने सबसे पहले वो ऐड किए हैं। अब मैंने 1.5 cup जो है वो गाजर ऐड की है। सारी वेजिटेबल को मैंने जूलियन कट किया है।
मीडियम आग पर हमने वेजिटेबल को पकाना है कि ये सॉफ्ट ना हो जाएं, और वेजिटेबल को हमने कवर करके बिल्कुल नहीं पकाना होता। गाजर को भी फ्राई करते हुए हमें 1 से 1.5 मिनट हो गया है। अब मैं इसमें 1 कप शिमला मिर्च डालूंगी। इसको भी हमने 1 से 1.5 मिनट तक ही कुक करना है। ज़्यादा सॉफ्ट सब्जियां जो हैं वो चाइनीज़ बिरयानी में बिल्कुल मज़े की नहीं लगती। हल्का सा सब्जियों में क्रंच होना चाहिए। अब ये मैंने एक फूल बंद गोभी का लिया है जिसको मैंने कट कर लिया है। ये चाइनीज़ बिरयानी बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनकर तैयार होती है। आपने लाजमी एक बार ट्राई करना है और मेरे साथ अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना है। सारी वेजिटेबल को हमने अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें 3 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड करूंगी, 2 टेबल स्पून विनेगर, 2 टेबल स्पून चिकन पाउडर, ये आपने लाजमी ऐड करना है। अगर आपके पास चिकन पाउडर अवेलेबल ना हो तो आप चिकन क्यूब भी ऐड कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर लिया है। हमारी वेजिटेबल बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गई है। अब इसमें से हाफ़ वेजिटेबल जो है वो मैं निकाल कर साइड में रख दूंगी। अब मैं इसमें अपने बॉयल किए हुए चावल ऐड करूंगी। अब हमने इसको अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर लेना है। अब मैं इसमें बाकी के चावल ऐड करूंगी और जो वेजिटेबल मैंने निकाल कर रखी थी वो भी मैं इसमें ऐड कर लूंगी। अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब लास्ट में मैं इसमें एग ऐड करूंगी जो मैंने पहले फ्राई करके रखा था। इसमें नमक और मिर्च बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपके भी फ्राइड राइस बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनकर तैयार होंगे। अब मैं इसको कवर करके दम पर रख दूंगी 10 मिनट तक। 10 मिनट हो गए हैं, हमारे फ्राइड राइस चाइनीज़ बिरयानी बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। ये आप इसकी फाइनल लुक चेक कर सकते हैं। अब मैं इसको सर्व करूंगी। हमारे फ्राइड राइस का फाइनल लुक। चलें अब हम अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं जो कि है तवा फिश। ये मैंने फिश ली है, इसको मैंने अच्छी तरह से पानी के साथ वॉश कर लिया है। ये फिश बहुत ही ज़्यादा मसालेदार बनकर तैयार होती है, आपने इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना है। ये मैंने 2 बड़े साइज के लेमन लिए हैं। अब मैं फिश के ऊपर इसे अच्छी तरह से लगा दूंगी, इससे हमारे फिश में एक खटास भी आएगी और फिश की जो स्मेल होती है वो भी दूर हो जाएगी। कम से कम आपने इसको आधे घंटे तक रखना है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप इसे ज़्यादा भी रख सकते हैं। अब मैं इसको कवर करके आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी रूम टेम्परेचर पर। चलें तब तक हम फिश मसाला रेडी करते हैं। ये मैंने 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया है, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टेबल स्पून नमक। अब मैं इसमें 2.5 टेबल स्पून फिश मसाला डालूंगी। ये होममेड फिश मसाला है, ये मैंने खुद घर पर रेडी किया है। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। इसकी फुल डिटेल में मैंने वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की है, आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप किसी भी ब्रांड का फिश मसाला भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर लूंगी। ये हमारा फिश मसाला बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है। फिश को आधा घंटा हो गया है, ये आप देख सकते हैं। अब मैं इस फिश को प्रेस करके इसमें से निकाल दूंगी, जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो इसमें से निकल जाएगा। अब मैं फिश को अच्छी तरह से मसाले में कोट कर दूंगी। मसाला भी हमारा बिल्कुल रेडी है। फिश को इस वाली साइड पर मैं अच्छी तरह से मसाला लगा दूंगी। अभी हमें स्किन वाली साइड पर मसाला नहीं लगाना। इसी तरह से मैंने सारी फिश को मसाला लगाकर बिल्कुल रेडी कर लिया है। ये तवा फिश बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है, अंदर से भी इसमें कोई भी कच्ची स्मेल फिश की नहीं आती है। ये जो मसाला है ये हम जब फिश को फ्राई करेंगे तो उस वक्त यूज़ करेंगे। ये सारी फिश पर मैंने अच्छे से मसाला लगा दिया है। ये मैंने एक तवा लिया है, इसमें मैं 3/4 कप कुकिंग ऑयल डालूंगी। आप नॉन स्टिक में भी इसे बना सकते हैं, लेकिन तवे पर इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा। ऑयल को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। ऑयल आपका अच्छे से गर्म होना चाहिए, वरना स्किन वाली साइड जो है वो तवे पर चिपक जाएगी। 3 से 4 मिनट तक मैंने इसको मीडियम आग पर इसी साइड से पका लेना है। 3 से 4 मिनट हो गए हैं, अब मैं फिश की साइड जो है वो चेंज कर दूंगी। अब मैं मीडियम आग को कम कर दूंगी, डिम से थोड़ी सी ज़्यादा आग पर।
अब हमें इस साइड पर भी अच्छे से मसाला लगा देना है। अब मैं इसको कवर करके पका लूंगी 4 से 5 मिनट तक। 4 से 5 मिनट हो गए हैं, ये आप देख सकते हैं। इस साइड से भी हमारी फिश जो है वो क्रिस्पी हो गई है। अब मैं दोबारा से इसकी साइड जो है वो चेंज कर दूंगी और फिर से मसाला लगाकर इसको कवर कर दूंगी। इससे हमारी फिश जो है वो अंदर तक अच्छी तरह से कुक हो जाएगी। फिश को मैंने दोनों साइड से पका लिया है, ये दोनों साइड से क्रिस्पी हो गई है। अब मैं फिश को हल्का सा प्रेस कर दूंगी। ये मैंने हरा धनिया लिया है, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। अब मैं इसके ऊपर एक लेमन जूस डालूंगी। अब मैं इसके ऊपर मसाला डालूंगी, ये वही मसाला है जो मैंने अभी रेडी किया था। अब मैं इसकी साइड जो है वो चेंज कर दूंगी। अगर आप ज़्यादा मसाला खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। हमारी फिश जो है वो दोनों साइड से अच्छी तरह से क्रिस्पी हो गई है। अब मैं थोड़ा सा हरा धनिया इस पर डाल दूंगी और थोड़ा सा मैंने लेमन जूस डाला है। अब मैं इसकी साइड जो है वो चेंज कर दूंगी। हमारी फिश तवा फ्राई बिल्कुल बनकर रेडी हो गई है, ये आप देख सकते हैं, ये इसका फाइनल लुक है। अब मैं इसको सर्व करूंगी। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनकर रेडी होती है। आपने इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना है और मेरे साथ अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना है। हमारी तवा फिश बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं जो कि है जर्दा। सबसे पहले हम चावल को बॉयल कर लेंगे। चावल को बॉयल करने के लिए मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। इसमें मैंने 1/2 टीस्पून नमक डाला है, 3 छोटी इलायची डाली है, 2 लौंग डाले हैं। 1/2 टीस्पून के करीब मैं इसमें ऑरेंज फूड कलर डालूंगी। अब मैं इसमें चावल डाल दूंगी। ये मैंने 1 कप चावल भिगोकर रख दिए थे आधा घंटा पहले। चावल को हमने 70-80% तक बॉयल कर लेना है। इस पॉइंट पर अगर आपको कलर कम लगे तो आप इसमें मजीद ऐड कर सकते हैं। चावल हमारे बॉयल हो गए हैं, अब मैं इनको निकाल दूंगी। अब मैंने उसी पैन में 3 टेबल स्पून घी डाला है। घी की जगह पर आप बटर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऑयल आप इसमें यूज़ ना कीजिएगा। ये मैंने 7 से 8 बादाम लिए थे जिसको मैंने कट करके डाल दिया है। 1 मिनट तक मैं बादाम को पका लूँगी। अब मैं इसमें काजू डालूँगी। काजू डालकर मैंने इसको 1 मिनट तक पका लिया है। अब मैंने इसमें ड्राई कोकोनट डाल दिए हैं। आप इसमें अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें 3/4 कप शुगर डालूंगी। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें 1 कप भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें 1/2 कप दूध डालूंगी। अब शुगर को मेल्ट होने तक हमें इसको पकाना है। शुगर हमारी अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। अब मैं इसमें चावल डाल दूंगी जो मैंने पहले बॉयल किए थे। अगर आप पहले ही चावल डाल देंगे तो आपके चावल जो हैं वो अकड़ जाएंगे। अब हमें इसका ये सारा पानी जो है वो ड्राई कर लेना है। पानी सारा ड्राई हो गया है। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून के करीब ये केवड़ा एसेंस डाल दूंगी। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप डाल सकते हैं। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करके कवर करके रख दूंगी दम पर 15 मिनट्स तक। अगर आप मेरी इस रेसिपी को एग्जैक्ट फॉलो करेंगे तो आपका भी जर्दा बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनकर तैयार होगा। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना हो तो आप इसी रेसिपी को मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं। 15 मिनट्स हो गए हैं, चावल पर एक अच्छा सा दम भी आ गया है। बहुत ही ज़्यादा मज़े के ये चावल बनकर तैयार हुए हैं। अब मैं इनको सर्व करूँगी। ये हमारे जर्दे का फाइनल लुक। चलें अब हम अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं जो कि है कीमा कचौरी। सबसे पहले हम कचौरी की फिलिंग रेडी करेंगे। ये मैंने 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लिया है, 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट। लहसुन को 1 से 2 मिनट तक हमने ऑयल में फ्राई कर लेना है। अब मैं इसमें बीफ का कीमा डालूंगी, ये तकरीबन 200 ग्राम्स है। आप चिकन या मटन से भी ये कचौरी बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब मैं कीमे को कंटिन्यूसली मिक्स करते हुए पका लूंगी कीमे का सारा पानी ड्राई होने तक। ये आप देख सकते हैं कीमे का सारा पानी ड्राई हो गया है। अब मैं इसमें अपने सारे मसाले डालूंगी। ये मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून मोटा कुटा धनिया, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। यही सिंपल से मसाले हैं जो हमने कीमे में यूज़ किए हैं।
अब मैं मसालों को कीमे के साथ अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट तक पका लूंगी कि मसालों का सारा कच्चापन दूर हो जाए। मसालों को मैंने अच्छी तरह से कीमे के साथ पका लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको कवर करके रख दूंगी कि हमारा कीमा जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। 5 से 10 मिनट हो गए हैं, कीमे का सारा पानी जो है वो ड्राई हो गया है, हमारा कीमा जो है वो नीचे लगना भी स्टार्ट हो गया है। अब मैं इसमें एक मीडियम साइज का फाइन चॉप प्याज डालूंगी, 2 हरी मिर्चें जिसको मैंने फाइन चॉप कर लिया है। अब मैं इसको 2 से 3 मिनट तक पका लूंगी कि प्याज का जो भी पानी हो वो ड्राई हो जाए। अब लास्ट में मैं इसमें 1/2 लेमन का जूस डाल दूंगी। अगर आपके पास हरा धनिया अवेलेबल हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। हमारी फिलिंग बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मैं इसको कवर करके साइड में रख दूंगी। चलें कीमा कचौरी की डो बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 1 कप मैदा लिया है। मैदे को आपने अच्छी तरह से छान कर यूज करना है। 1/2 टीस्पून नमक, 2 टेबल स्पून घी। घी डालने से आपकी कचौरी खस्ता बनकर तैयार होगी। घी को हमने मैदे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब मैं नीम गर्म पानी के साथ इसकी एक सॉफ्ट डो गूंद लूंगी। डो आपने बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं रखनी और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं बनानी। नॉर्मल सी डो हमने रेडी कर लेनी है। मैदे को मैंने इकट्ठा कर लिया है। अब मैं इसको अच्छी तरह से गूंद लूंगी। डो हमारी रेडी हो गई है। अब मैंने इसके ऊपर 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाला है और इसको कवर करके 10 मिनट के लिए रख देना है कि हमारी डो जो है वो सेट हो जाए। चलें तब तक हम कचौरी के लिए एक पेस्ट रेडी करते हैं जिससे हमारी कचौरी में लेयर्स बनेगी। ये मैंने 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 कप घी। अब इन सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये हमारा पेस्ट रेडी हो गया है। अब हमने इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। आधे घंटे में ये पेस्ट हमारा सेट हो जाएगा। 10 मिनट हो गए हैं, हमारी डो जो है वो भी अच्छी तरह से सेट हो गई है। अब मैं इस डो के पेड़े बना लूंगी। मैंने 4 पेड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाऊंगी और इसको कवर करके 10 मिनट के लिए रख देना है। 10 मिनट हो गए हैं, अब मैं इन पेड़ों को अच्छी तरह से बेल दूंगी। हल्का सा आपने ऑयल लगाना है, इस पॉइंट पर आपने मैदे का यूज नहीं करना। हल्का सा मैंने इसको बड़ा कर लिया है। अब ये जो पेस्ट हमने रेडी किया था वो थोड़ा सा पेस्ट लेकर मैं इसके सेंटर में लगा दूंगी। अच्छी तरह से फैला देना है, बहुत थोड़ा सा आपने यूज करना है। अब मैं इसको फोल्ड करूंगी। ये पेस्ट लगाने से आपकी कचौरी में बहुत ज़्यादा अच्छे से लेयर्स बनेंगी। साइड से पहले मैंने इसको सील किया है, उसके बाद मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ। इसी तरह से मैं सारे पेड़ों को अच्छी तरह से फोल्ड करके 10 मिनट के लिए कवर करके रख दूंगी। 10 मिनट हो गए हैं, सारे पेड़ों को मैंने फोल्ड कर लिया था। अब हमने इसको दोबारा से बेल देना है। हल्के हाथों के साथ मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया है। अब मैं इसको दोबारा से फोल्ड कर लूंगी। इस बार आपने पेस्ट नहीं लगाना। इसी तरह से मैं दोबारा से सारे पेड़ों को फोल्ड कर लूंगी और इसको 10 मिनट के लिए कवर करके रख दूंगी। 10 मिनट हो गए हैं, हमारे पेड़े जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब मैं इसको अच्छी तरह से बेल दूंगी। हल्का सा मैंने पहले प्रेस किया है। इस सारे प्रोसेस में आपने मैदे का यूज बिल्कुल नहीं करना। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप कुकिंग ऑयल का यूज कर सकते हैं। इसको आपने बिल्कुल बारीक नहीं बेलना, हल्का सा मोटा ही रखना है। इसको मैंने अच्छे से बेल दिया है। अब इसके सेंटर में मैं फिलिंग ऐड करूंगी। ये मैंने 2 टेबल स्पून के करीब कीमा डाल दिया है। अब हमने इसको हल्का सा स्ट्रेच करना है इसकी साइड्स को और इसको अच्छे से बंद कर लेना है। चारों साइड से मैंने इसको बंद कर लिया है। अब इसके कॉर्नर को भी मैंने हल्का सा स्ट्रेच करके बंद कर लिया है। इसी तरह से हमने सारी कचौरियों को बनाकर 10 मिनट के लिए कवर करके रख देना है। 10 मिनट हो गए हैं, ऑयल को भी मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। ऑयल आपका बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नीम गर्म होना चाहिए कि आप अपनी फिंगर डालें तो वो भी डिप हो सके। कचौरी को हमने इसी तरह से फ्लेट करना है। ये आप देख सकते हैं मैं किस तरह से कर रही हूँ। अब मैं ये कचौरी जो है वो ऑयल में डाल दूंगी। कचौरी को हमने तकरीबन 20 मिनट तक फ्राई करना है कि ये अंदर तक अच्छी तरह से कुक हो जाए। अगर आप कचौरी को अच्छी तरह से फ्राई नहीं करेंगे तो आपकी कचौरी खाने में बिल्कुल मज़े की नहीं होगी और अंदर से कच्ची होगी। कचौरी डालने के बाद आग आपने बिल्कुल डिम रखनी है। 5 मिनट में हमारी कचौरी जो है वो ऑयल में ऊपर आ जाएगी।
कचौरी जो है वो ऑयल में ऊपर आ गई है। अब मैं आग जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा कर लूँगी और इसको 15 मिनट तक इसी साइड से पकने के लिए रख दूँगी। 15 मिनट्स हो गए हैं, ये आप देख सकते हैं कचौरी पर कितना अच्छा कलर आया है इस साइड से। अब मैंने इसकी साइड जो है वो चेंज कर ली है। अब 5 से 6 मिनट तक मैं मज़ीद दूसरी साइड से कचौरी को फ्राई कर लूँगी। 5 से 6 मिनट तक मैंने कचौरी को दूसरी साइड से भी फ्राई कर लिया है। कचौरी को फ्राई करते हुए 20 मिनट हो गए हैं। अब मैं हाई आग पर 2 से 3 मिनट तक इसकी साइड चेंज करते हुए इसको पका लूँगी कि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल हो वो सारा निकल जाए। हमारी कचौरी बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है, ये आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनकर तैयार हुई है। ये आप कचौरी का फाइनल लुक चेक कर सकते हैं। अगर आपको मेरी आज की ये सारी रेसिपीज पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये कचौरी बहुत ही ज़्यादा मज़े की खस्ता बनकर तैयार हुई है। आप इसको चिकन की फिलिंग के साथ भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।